हेट्रोएटम। हेट्रोएटम्स क्या होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, कार्बन के संग हाइड्रोजन होते हैं। तो जो कार्बन होता है, कार्बन के संग हाइड्रोजन होता है, और भी बहुत सारे तत्व होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। तो कार्बन और कार्बन के संग रहने वाला हाइड्रोजन को हटा करके जिस एलिमेंट्स का एटम्स उसका स्थान ले लेता है उस एटम्स को हेट्रो एटम्स कहते हैं। एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे ये हम लोग का हो गया मीथेन, इस पे 4 हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, 4 हो गया, 1, 2, 3, 4। अब इसमें से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए और रिप्लेस करने के बाद एक क्लोरीन एटम आ गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रो एटम्स। क्लोरीन के जगह पे और भी बहुत सारे एटम आ सकते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल देकर समझाया हूँ कि अगर हाइड्रोजन का प्लेस कर रिप्लेस करके और उसके जगह पे कोई भी एटम्स आ जाएंगे, वे एटम्स क्या कहलाएंगे, हेट्रो एटम्स। इस हेट्रो एटम्स के जगह क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकते हैं ना। ओके, और थैंक यू, इतना ही।